भाई पहले बता रहा हूँ, बच्चे ना देखें, क्योंकि खुल के बात करूंगा आज मैं। बहुत कोशिश कर ली चुप बैठने की, पर तुम सब बैठने ही कहाँ देते हो। और बार बार यही कमेंट्स आ रहे हैं कि राम रहीम की लुंगी उतारो यार, और वो भी अपनी भाषा में। तो चलिए आज पूरी सच्चाई खोल देते हैं। दोस्तों मैं भी श्री गंगानगर जिले में रहने वाला हूँ, और गुरुसर मोड़िया मेरी लोकेशन से थोड़ी ही दूरी पर है, जहाँ बाबा का जन्म हुआ था। और हमारे यहाँ बाबा के प्रेमी मधुमक्खियों के छत्ते की तरह भरे पड़े हैं। अब या तो इस वीडियो को देखने के बाद राम रहीम के प्रेमी सुधर जाएंगे, या फिर श्री गंगानगर के प्रेमी मेरी ही गांड में डंडा घुसेड़ देंगे। पर मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ भी। व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वॉचिंग बकचोदी वाला टैक। तो टाइम का चूतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। बाबा जी ये एक ऐसा प्राणी है जिसका कोई भी धर्म नहीं है। राम रहीम सिंह इंसा, अरे गुरमीत रह गया। इतना बड़ा नाम, बड़े नाम होने का एक ही मतलब है कि ये ना तो सच्चा हिंदू बन पाया, ना मुसलमान और ना ही सिख। इसी तरह जैसे जैसे साल गुजरते रहते हैं इसका नाम भी बड़ा होता जाता है। अरे बहन जो नाम है या बुर्ज खलीफा। चल छोड़ो यार, बात करते हैं राम रहीम के इतिहास की, इसके बचपन की। इसका जन्म 15 अगस्त 1967 में श्री गंगानगर के गुरुसर मोड़िया में हुआ था। कुछ समय बाद ये स्कूल जाने लगा और इसने 7वीं क्लास से लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया था, इसीलिए 9वीं क्लास में इसे बाहर निकाल दिया था। तो अब मैं आपको हिडन कुछ अनसुनी बातें बताने जा रहा हूँ। हमें सब पता है क्योंकि हमारा जन्म भी श्री गंगानगर में ही हुआ है। आप सभी को पता है राम रहीम डेरे में रहता था, सेवा करता था और कई कुछ करता था। चलो छोड़ो उसे। बाबा राम रहीम का एक दोस्त था जिसका नाम था गुरजंट सिंह, जो श्री गंगानगर के रायसिंह नगर का था। श्री गंगानगर में तो क्या सभी को पता था कि वो एक आतंकवादी था जिसे पंजाब में मार गिराया था। महाराज शाह सतनाम जी ने गद्दी के लिए 3 दावेदार चुने थे। पहला था सुखेंद्र सिंह, जो गंगानगर के गज सिंहपुर शहर का था, और 2 अन्य उन दिनों डेरे में राम रहीम को इलीगल एक्टिविटीज़ के चलते डेरे से निकाल दिया था। और हमारे गंगानगर वासियों को यह कहना है कि गुस्से में राम रहीम, अरे अरे मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो गंगानगर में आकर जिससे मर्जी पूछ लो। कुछ छिपी हुई बातें मैं आज आपको बताऊंगा। जब राम रहीम को डेरे से निकाला गया तो वो गुस्से में अपने दोस्त गुरजंट सिंह के पास पहुंचा और अपने दुखड़े सुनाए उसे। इसके कुछ समय बाद अपने आतंकवादी दोस्त के साथ राम रहीम डेरे में पहुंचा और महाराज शाह सतनाम जी के सिर पर बंदूक रखकर ये कहा कि अगला गद्दी दावेदार राम रहीम को बनाओ, नहीं तो आपको डेरे में जितनी भी संगत है उनकी लाशें बिछा दूंगा। महाराज शाह सतनाम जी को अपनी परवाह तो बिल्कुल भी नहीं थी, पर उन्हें परवाह थी मासूम लोगों की। महाराज ने राम रहीम को गद्दी सौंपने से पहले एक बात कही कि इस पंथ की समाप्ति तेरे हाथों होगी और तेरा अंत बहुत बुरा होगा। और आज वही बात सच हुई। 1990 से राम रहीम लोगों की भावनाओं के साथ खेलता आ रहा है। कोर्ट ने तो उसे 20 साल की सजा दे दी है। जो लोगों की भावनाओं के साथ वो खेला, उसकी सजा क्या होनी चाहिए मुझे बताओ नीचे कमेंट में। यहाँ लोग बाबा राम रहीम के लिए रो रहे हैं और राम रहीम हनीप्रीत के लिए। पर 4 दिन भगवान का नाम जप ले, 20 साल आराम से गुजर जाएंगे। और इस भाई साहब को भगवान नहीं हनीप्रीत चाहिए। और इस बाबा के प्रेमियों का कहना है कि हमारा बाबा जानी जान है, सब कुछ जानता है बिन कहे। तो उसको ये क्यों नहीं पता चला कि मुझे सजा होने वाली है? और उसको तो ये भी नहीं पता था कि उसकी हनीप्रीत कहाँ है, तो जानी जान लौड़ेगा था। उसके प्रेमियों की कोई गलती नहीं है, उस बाबा ने उनकी आंखों में धूल झोंक रखी है। उन्हें छेड़ो या चिड़ाओ मत, कि सबसे बड़ा दुख तो उन्हें पहुंचा है, उनके दिल को ठेस पहुंची है, उनका विश्वास टूटा है, तो उन्होंने बनाया था इस ढोंगी बाबा के लिए। और हम लोग उन्हें ही गलत बता रहे हैं। उन्हें गलत बताने की जगह उन्हें सहारा दो, क्योंकि उनका विश्वास चूर चूर हो चुका है। और उन प्रेमियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि असली गुरु तो 1990 से पहले थे। उनका नाम अपने दिलों में रखो, इसका नहीं। ये नाम दिया हुआ तो उन्हीं संतों का है, तो इसे मत भुलाओ। तो इस बाबे को जो लोग अभी भी भगवान मानते हैं तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दो, और जिनको समझ आ चुकी है वो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो करो। जो अब भी इस बाबा को मानते हैं उनके लिए ये, रात को आया था ड्रीम, रात को आया था ड्रीम।
विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। कील मुहासों को जड़ से मिटाए, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाए, त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक क्रीम, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। तो दोस्तों, आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो शेयर करो, थोड़ी सी गालियां हैं पर चलता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कर देना यार, बार बार कहना पड़ता है। और टारगेट रखते हैं 210 लाइक्स का। टाइम पास करने के लिए मेरी दूसरे एपिसोड देखो, बहुत मसाला भरा पड़ा है यार इस चैनल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा। ओके बाय।